हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिविल्स ऑफिसर। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। बीपीएससी 68 प्रीलिम से रिगार्डिंग ये 2 मिनट सीरीज़ को स्टार्ट किया गया है, जो कि होगा आपका बिहार स्पेशल करंट से रिलेटेड। इसमें उसी करंट अफेयर को डील किया जाएगा जिसके आपके एग्जाम्स में आने की संभावना काफ़ी हाई रहेगी, तो इसे ज़रूर देखिएगा आप अपने एग्जाम से पहले। ये आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा और इसे देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। जो पहला करंट अफेयर है वो हमारा ऐप से रिलेटेड है। आप जैसा कि जानते हैं कि बीपीएससी ऐप से रिलेटेड सवाल पूछती है, और वो जब ये बिहार का ऐप रहे तो इसे सवाल आना कंफर्म है। तो इसे बिहार से रिलेटेड है। इसका एम क्या है? तो ये एम करेगा जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है उसको ये मॉनिटर करेगी, ठीक है। अब उसके बाद इसको डेवलप कौन किया है ये भी पूछा जा सकता है। तो इसको डेवलप किया है बिहार एडुकेशन प्रोजेक्ट ने, ठीक है। किसके मदद से किया है? तो ये यूनिसेफ के मदद से किया गया है इसको डेवलप, ठीक है। तो यहाँ से 3-4 फैक्ट है ये आपको याद रखेंगे कि ये बिहार का ऐप है और ये इसका एम हो गया कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल को ये मॉनिटर करेगा। और इसका जो बेस्ट का जो फुल फॉर्म हो गया वो हो गया बिहार इजी स्कूल ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट जो करंट अफेयर है वो हमारा श्रीलाल शुक्ला इफको लिटरेरी अवार्ड। तो ये बिहार के पर्सन को दिया गया है और जिनका नाम है जया नंदन, ओके। और ये किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं नवादा डिस्ट्रिक्ट से। तो पर्सन इन न्यूज से ये सवाल बन सकता है आपका, तो इसको आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट जो है ये सीता माता का स्टैचू बनाया जा रहा है, तो आप जान सकते हैं कि ये कहाँ बनाया जा रहा होगा? तो ये सीता मढ़ी में बनाया जा रहा है, तो आपको इसे याद रखना है। अब नेक्स्ट देखिए, प्रकाश पर्व सेलिब्रेट किया गया है। कहाँ सेलिब्रेट किया गया है? तो ये बिहार में सेलिब्रेटेड किया गया है, वो भी राजगीर में, ठीक है। पटना नहीं मारेंगे आप आंसर, ये राजगीर में। और ये कौन सा प्रकाश पर्व था? तो ये 554th प्रकाश पर्व सेलिब्रेट किया गया है। अभी देख सकते हैं पर्सन इन न्यूज से रिलेटेड है, जो ये बिहार सेक्टर की जो आईजी बनाई गई है सीआरपीएफ की, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आईपीएस, ये आईपीएस है सीमा धुंधिया, ठीक है। तो ये वुमेन ऑफिसर है तो इसलिए ये न्यूज़ में है, तो ये आपको सवाल बन सकता है यहाँ से। इसी तरीके से शॉर्ट जितने भी मुझे इंपॉर्टेंट वीडियोस लगेंगे मैं उसे इस चैनल पर डाल दूंगा। आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसे शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।